हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकी आसर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग लेके आ चुका हो, तो फटाफट से पिन लो ग्लव्स, कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डाले थे, मतलब 2021 में आपको Xiaomi के, Redmi के, MI के कौन कौन से स्मार्टफोन से बच के रहना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पुराने हो चुके हैं या बोल सकते हो ओवर प्राइस है, तो सारी चीजें डिटेल में ऑनेस्ट वीडियो बना के आपको सुबह में बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे अभी तक के और या नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई होगी, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले टेक अपडेट के बारे में। तो याद है Micromax इन ब्रांड की तरफ से, आप सभी को पता है इन नोट वन, इन वन भी धमाकेदार सेल हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। Micromax ने काफी बढ़िया कमबैक करा है, काफी अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट यहां पर लॉन्च करे। अब नया Micromax इन ब्रांडिंग के साथ में नया स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉडल नंबर है आपका X379 करके, जो है BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। तो Micromax इन ब्रांडिंग के साथ में आपको एक बहुत ही जल्दी जो है स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है जनवरी के महीने में ये आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली जो है 15-20 हजार रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। अब देखते हैं एग्जैक्टली मैं Micromax ये दोनों स्मार्टफोन के बाद तीसरा स्मार्टफोन कौन सा लाता है। वैसे आपको क्या लगता है, Micromax आगे चल के Xiaomi, Realme और Samsung जैसे ब्रांड को कंपीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। गाइस, नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो IQ ब्रांड के बारे में, तो आप सभी को पता है IQ3 इंडिया में बिकता है, बहुत सारे लोग परचेज करें। वैसे IQ7 जो कि उनका नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन रहने वाला है, 11 जनवरी को जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है। और आपको बता दूं स्नैपड्रैगन 888 के साथ में दूसरा स्मार्टफोन रहने वाला है और उसका एंटूटू स्कोर्स वगैरह रिफील्ड हो गया है। एंड गाइस बिलीव मी, 888 स्नैपड्रैगन के साथ में, और बता दूं उसमें आपको 12GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने वाला है, बैक पैनल वगैरह भी यहां पर लीक हो गया है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। एंड स्कोर की अगर हम बात करें 7.5 लाख के ऊपर का जो आपको एंटूटू स्कोर देखने को मिल रहा है IQ7 का, जो कि अमेजिंग है, किलर है, पावरफुल है और मतलब जबरदस्त आप इसे कह सकते हो। वैसे जब 11 तारीख को लॉन्च होगा, देखते हैं IQ यहां पर क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करता है इसे, क्या Mi 11 से बेटर प्राइस पॉइंट पे या चीप में लॉन्च करता है 888 के साथ में, तो 11 तारीख को पता लगेगा। तो मैं डेफिनेटली जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। तो गाइस, आई होप कि आपने यहाँ पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दिए रहेंगे। साथ ही में अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो Realme का एक नया डिवाइस चाइना में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। सभी ने कह दिया भाई हमने 888 लाने वाले हैं, तो Realme कैसे पीछे रह सकता है। Realme कोई, जी हाँ, KOI नाम का एक स्मार्टफोन जो है चाइना में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, या बोल सकते हो Realme V15 के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। उसका फर्स्ट लुक यहाँ पर, ऑफिशियल फर्स्ट लुक यहाँ पर रिवील्ड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। डिजाइन देखने में काफी जाना पहचाना सा लग रहा है, Oppo Reno 4 सीरीज टाइप का यहां पर आपको कैमरा लेआउट वगैरह देखने को मिल रहा है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, अभी भी Oppo, Realme और ये OnePlus वगैरह क्या साथ ही में है, क्या मतलब लोगों को क्या बना रहे पता नहीं, बट ऐसा कुछ आपको डिजाइन देखने को मिलेगा अपकमिंग Realme कोई स्मार्टफोन का। बस आपको डिजाइन यहां पर कैसा लगा मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें, तो Realme X7 सीरीज का हम इंडिया लॉन्च का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो Realme X7 हो या X7 Pro हो। और यहां पर यार ऑफिशियली इतना कुछ कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन बताया जा रहा था कि जनवरी तक के आपको देखने को मिल सकता है, मैंने भी आपको पहले बताया था। लेकिन आज माधव सेठ ने ट्वीट करा है एक कि आर यू एक्साइटेड फॉर Realme X7 सीरीज। इसका मतलब क्या होता है, X7 भी आने वाला है, X7 Pro भी आने वाला है और बहुत ही जल्दी आने वाला है। यार कंपनी के CEO ने यहां पर ट्वीट करके बता दिया है, इससे बड़ा ऑफिशियल न्यूज हो ही नहीं सकती है। तो मैं अभी भी आपको बता दूं, Realme X7 सीरीज जो है इंडिया में अराउंड 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी, 99.9% यहां पर कंफर्म है। और प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो X7 विल बी अराउंड 22-23,000 रुपीज के आसपास मिलेगा, एंड X7 Pro विल बी अराउंड 26-27,000 तक के जो है आप पकड़ के चल सकते हो। तो गाइस, ये ऑफिशियल न्यूज थी यहां पर Realme X7 सीरीज को लेके। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप Realme X7 का वेट करो या X7 Pro का वेट करो, आपकी यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन है ये सीरीज के प्राइस पॉइंट को लेके, मुझे बताना नीचे कमेंट।
कमेंट्स में। सो गाइस नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो Realme का एक नया स्मार्टफोन जो है BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे कल देखा गया था। इसका मॉडल नंबर था यहाँ पर RMX3092 और आज Geekbench पे भी वो मॉडल नंबर देखा गया और बताया जा रहा है वो Realme 8 सीरीज का कोई स्मार्टफोन है, 8 भी हो सकता है, 8 प्रो भी हो सकता है। लेकिन एक स्पेक्स यहाँ पर निकल के आ चुके हैं Geekbench पे, तो भाई प्रोसेसर, रैम और एंड्रॉइड वर्जन निकल के आ चुका है। एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 ही देखने को मिलेगा, 8GB रैम वाला वेरिएंट उसमें रहने वाला है और जो प्रोसेसर है, चिपसेट आप बोल सकते हो, वो आपका Dimensity 720 का बताया जा रहा है देखने को मिलेगा। अब ये Realme 8 में भी आ सकता है, 8 Pro में भी आ सकता है, लेकिन 99% यहां पर बताया जा रहा है दोनों में से कोई ना कोई एक स्मार्टफोन रहने वाला है। BIS पे आ गया, Geekbench पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो Realme 8 सीरीज नंबर सीरीज जो Realme की वो भी बहुत ही जल्दी जो है इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मतलब जनवरी में Realme क्या-क्या लॉन्च करेगा पता नहीं, एक साथ में मतलब एकदम से धमाका करने वाले 2021 में पता नहीं। गाइस आई होप कि हम सबको ये पसंद आई होगी और कैसा कर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।